नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। 27 माइनर नहर निर्माण के कारण काटे गए पेड़ जो करीबन 80-90 लाख रुपए कीमत के बताए गए। वन विभाग के कर्मचारी डूंगर राम सी मीणा पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कुछ दिन पहले SDM प्रियंका तलानिया को 27 ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंप कर मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आज 21 दिन बीत चुके हैं पर प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डूंगर राम सिंह मीणा ने करोड़ों रुपए की बना रखी है अचल संपत्ति, लेकिन सही रूप से नहीं की जा रही है जांच। ग्रामीणों ने तहसीलदार से बातचीत की तो तहसीलदार का कहना है 27 नगर पर कोई पेड़ नहीं काटा बताया गया। अगर पेड़ नहीं काटे तो पेड़ की जड़ और ठूंठ किसके पेड़ के हैं? ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग का पूरा स्टाफ ACF राजीव गुप्ता, DFO सुरेश कुमार, अन्य अधिकारी डूंगर राम से मीना को बचाने में कर रहे हैं मदद। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई तो ग्रामीण भूख हड़ताल पर धरना लगाने पर होंगे मजबूर। आप आवाज न्यूज राजस्थान से ब्यूरो चीफ रमेश बागड़ी की खास रिपोर्ट। ये मामला काफ़ी पुराना है, 20-21 दिन पुराना मामला है, वही वन विभाग वाला ये माइनर नहर का जी। तो जो हमने मैडम को ये एप्लीकेशन दी थी, एक मुख्यमंत्री के नाम, एक खुद मैडम को, SDM साहब को, कितने दिन हो गए? ये 20-22 दिन हो गए। तो क्या जांच हुई इस पे? इसमें आज हम मैडम को मिले हैं, उन्होंने बताया कि ये जाँच मैंने तहसीलदार साहब को दे रखी है, तो जैसे ही तहसीलदार साहब जाँच देते हैं मुझे सौंपेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे की कार्रवाई करेंगे। तो बाकी जो जाँच है ये वन विभाग वाले इसकी जांच कर रहे हैं, जो ACF है वो इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जो ACF है वो इस जांच को मतलब डिवाइड करके इसको घुमा के इसकी लिपापोती में लगे हैं, उसको बचाने के चक्कर में, जो दोषी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं ना, उनको बचाने के चक्कर में है, ना कि इसकी स्पष्ट जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं वो सरकार का, और इसको बचाने के चक्कर में हैं सभी जो भी इसकी जांच कर रहे हैं। आगे जो हमने मैडम को मिले हैं तो मैडम ने बोला कि जैसे ही तहसीलदार साहब जांच मुझे सौंपेंगे उस जांच के अकॉर्डिंग मैं कार्रवाई करूँगी। हम दोषी हो तो हमारे को सजा मिलेगी। देखो ये मेरे पास पावर नहीं है कि दोषी ग्रुप में ये करो, निष्पक्ष जांच सही होगी, यही निवेदन है हमारा, क्योंकि वन रक्षक अगर ऐसा काम करेंगे तो इसका मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने रिपोर्ट पे आएगा, जो सबूत आएंगे बिल्कुल निष्पक्ष होगा। सर जांच का तो इन्होंने 7 दिन का टाइम लिया था मैडम ने, लेकिन लिया था, लेकिन प्रशासनिक काम बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास भी। बीच में क्या है, ये माइनर वाला एक क्या है गली जो है ना, जो धरना लगा रखा था, ठीक है, इस पर लगातार लगभग हमें 8-10 दिन तक तो उधर ही रहना पड़ा। मीन वाइल भी मैंने कईयों के बयान भी लिए हैं, कई रिपोर्ट भी लिया है, मौका भी देखा है जी। तो आप मौका देखा, आपको क्या लेकर आखिर तक मौका देखा पूरा, तो आपको क्या लग रहा है सर वहाँ? अभी निष्कर्ष नहीं पता, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड और बयान सारे नहीं आ जाते तब तक नहीं, अभी जो भी चीज़ है वो सर अंडर इन्वेस्टिगेशन। वन विभाग का जो पेड़ कटता है उसके नंबरिंग वगैरह भी होती है, आपने कहीं नंबरिंग देखी है सर? हमने उससे रिकॉर्ड मांगा क्योंकि मौके पर पेड़ नहीं है। आप वहाँ गए थे, कोई नंबरिंग नहीं दिख रहा आपको सर? पेड़ ही नहीं है। उसमें दो लाइन कटी हुई है, एक कटी है, वो तो उनकी अलग है। जो पटड़ा है ना, उस पटड़े पे जो तो सर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है उस मीणे, क्या नाम है मीणा का, डूंगर श्री मीणा, डूंगर श्री मीणा के पक्ष में पुख्ता सबूत है, और भी कोई इनके पास सबूत है तो हमें उपलब्ध करवाएं।
अगर आपके पास कोई और सबूत है तो हमें उपलब्ध करो। सर हमारे पास सबूत है, जीपीएस फोटो है सारी, हम आपको उपलब्ध करा, बाकी करा देंगे। बाकी जो गुनहगार का पड़ी है उससे आगे अगर दरखत पड़े हैं पीछे पीछे बड़े उठा लिए सारे, हमने सारे हाँ उठा लिए, उसने छोड़ने कोई भी नहीं छोड़ा, वो तो आपने देख ही लिया होंगे। हाँ तो फिर शुरू से लेकर आखिर तक सारा मौका मिले और हमारी टीम जो बनाई थी पूरी टीम ने सारे एक निवेदन हो रहे हैं सर, डीएफओ ने तुरंत उसके आदेश निकाल दिए कि जो लक्कड़ पड़ी है वो हमें नहीं पता है। डीएफओ साहब ने क्या किया क्या नहीं किया वो हमें नहीं पता। नहीं सर जो लकड़ पड़ी है वो अभी ना उठाए ना, अभी तो ये जांच चल रही है, जांच चल रही है तो कोई नहीं उठा रहा, कोई उठा रहा है तो हमारे को बोल रहे हैं कि हम लकड़ उठाएंगे। कल गए थे, नहीं नहीं सब वो कमेंट कर रहे हैं, कल गए थे सर, ये कोई नहीं उठाएगा जो कह रहे हैं, हमारी उठाया ना भी वहाँ।